Hi friends, so, कैसे हो आप? Hope you my friend doing great. घर में सब ठीक ठाक होंगे, बच्चे सब ठीक होंगे, आपके pets specially ठीक होंगे. Sorry friends, ये emergency video डालना पड़ा. इसका एक सबसे मुख्य कारण था कि जो negativity कुछ channel के द्वारा फैलाई जा रही है भोला शोला के against, उनको reply करना. And then हम तो ignore करते थे. हमारी जो legal advisory है वो भी कह रही है कि वो जो कर रहा है हमारा काम करने दीजिए, आप reply मत करना. लेकिन आज थोड़े YouTube पर हमने कमेंट्स देखे, वो बोला कि आप प्लीज़ रिप्लाई करो, क्योंकि हमारे जो जिन पर हमारा जो बहुत हमें प्यार करते हैं, फेथ करते हैं, जिनके लिए जिनके हम है तो कुछ नहीं, जीरो, आई एम वेरी डाउन, सिंपल है, मिट्टी का एक कण का कह लो वो है हम. लेकिन जिन्होंने हमें रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, इतना बड़ा बनाया, तो उनकी अगर बात ना माने तो भी ठीक नहीं है. तो फिर आज छोटा सा एक एमरजेंसी वीडियो शूट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा था कि आज किसी ने वीडियो डाला कि बच्चे, वो जो वीडियो हम मैटिंग के डालते हैं वो बच्चे देखकर उसको ख़राब हो रहे हैं या बच्चों के लिए अच्छा नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि वो हम एक तो 3 साल से काम कर रहे हैं, हम हर गाइडलाइन फॉलो करते हैं, वो चाहे इंडियन गवर्नमेंट की हो, वो चाहे हर गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब की हो या गूगल्स की हो. दूसरी बात यह है कि मैं खुद फादर हूँ, मेरा एक बच्चा है खुद 7-8 साल का, तो मैं खुद भी कभी ऐसा काम नहीं करता जो बच्चों, मैं स्पेशली बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ बड़े लोगों से, चाहे पूरा मानूँ. क्या है कि जब हम कोई वीडियो ऐसा डालते हैं उस पर ऑलरेडी एज रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ होता है, अंडर 19. आप हमारा यूट्यूब का अगर पेज खोलोगे ना, वहाँ पर आपको लिखेगा कि वो वीडियोज़ ब्लॉक हैं. जिनके आईडीज छोटी एज के, जहाँ बच्चे रियल अपने आईडीज बनाते हैं, उनको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है और ना ही वो कभी देख पाते हैं हमारा वीडियोस. वो अलग बात है कि बड़ों का फ़ोन छीनकर अगर वहाँ आईडी बड़ी है तो वो वहाँ देख लें, तो वहाँ तो फिर और भी बहुत कुछ देख सकते हैं. और बट अंडर 19 किसी भी आईडी को हमारा जो मीटिंग वाला वीडियो है वो नहीं जाता. लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है ना, क्योंकि जो भी आप भी आज मैं सवालों के जवाब दूंगा, ये हमारे जो भाई साहब हैं ये क्या करते हैं, ये एक आदमी पकड़ते हैं, उनको वो बातें बताते हैं जो उनको गुस्सा दिलाए और उनका एक वीडियो शूट कर लेते हैं, लेकिन पूरी बात बताते ही नहीं है. वहाँ गलती उनकी भी नहीं है जो कैमरे के आगे बैठकर बोलते हैं, वो भी सर्च नहीं करते. अगर वो भाई साहब या कोई और अगर बोलता कि बच्चों के ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ रहा है, तो उन्होंने अगर देखा होता वो वीडियो ऑलरेडी ब्लॉक है बच्चों के लिए. दूसरी बात ये इन्होंने ये कही कि मीटिंग में जो जिस तरह दिखाई गई है वो डॉग्स के ऊपर क्रूरता है. मैं वहाँ भी एक सर्वे चेक किया, क्या सर्वे क्या ले अमेरिका का क्या है चेतना, क्या अमेरिका का दे सर्वे, लुइस मेरान आप नेट पर चेक कर सकते हो, कितने 38 पेयर स्रोत आते हैं, 38 पेयर वहाँ. इंडिया का हमने सर्च किया, इंडिया में कोई ऐसा सर्वे नहीं था वो जो ये कर पाए. अमेरिका का चेक किया, वहाँ पर 38 पेयर्स रोज आते हैं, जो कि मेल फीमेल एक घर में इकट्ठे रहते हैं और जब वो एक दूसरे के फाइट करते हैं, स्पेशली वो 90% फाइट होती है मीटिंग के टाइम. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर मीटिंग का टाइम आ गया तो मेल फीमेल को आप अकेला छोड़ दो, वो कमरे में बंद कर दो, लेकिन वो ये नहीं समझते 38 पेयर रोज आते हैं, जो कि ऐसे इस केस में जब मेल फीमेल को फोर्स करता है तो फीमेल उसको काटती है, और कभी कभी तो इंजरी इतनी सीरियसली होती है कि मेल दोबारा कभी मीटिंग नहीं कर पाता. अगर फीमेल को मेल ने काट लिया तो कभी इतनी सीरियस होती है कि उसका ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि वो मेल फीमेल दोबारा कभी कंसीड ही नहीं करती. अभी आप इमेजिन कीजिए, जिस बंदे ने ऐसे अपने घर के खर्चे के लिए 1-2 डॉग पाल रखे हैं, मेल हो फीमेल हो, अगर उनके केस में ऐसा हो जाए तो बेचारे का सारा बिजनेस या सारा काम स्टॉप हो गया ना, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट हर किसी को जॉब नहीं प्रोवाइड करवा सकती. हमने ये काम, हमारी बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम हर जगह सेवा नहीं करते, हम सेवा करते हैं. सेवा क्या है हमारी, इंडिया में फर्स्ट फ्री डॉग सेक्शन हमने दिया, वहाँ रोज 2-3 डॉग कुछ हमारे थ्रू और कुछ खुद पर्सन अपना डॉग फ्री में देते हैं. बहुत सारी परेशानियां होती हैं तभी एक बहुत बड़ा कह लो कि पत्थर दिल पर रखकर फिर वो डॉग अपना अडल्ट डॉग या छोटा डॉग किसी को फ्री में देते हैं. अगर आप उनकी कहानियां सुनोगे क्यों दे रहे हो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा. डॉग, बहुत सारे होमलेस डॉग को घर मिल रहा है, कुछ डॉग अगर स्ट्रीट पर किसी को मिलता है तो वो हमारी वेबसाइट में डाल देता है, उसको भी शेल्टर मिल जाता है, उसमें हमें कोई चार्ज नहीं करते. दूसरी बात है कि स्मार्ट सुपर चार्ज से मुझे क्या मिलता है,
सुपर चैट जो होता है वो हर यूट्यूबर, वो चाहे गेमर हो किसी का हो, यूट्यूबर एक का अपना होता है, पर्सनल होता है, वो आप सैलरी कह लो, वो चाहे बोनस कह लो, वो बोनस क्या करता है किसी को, उसका किसी को एक्सप्लेन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने बोनस या सैलरी मान लो मेरी क्या है, मैं क्या करता हूँ, आप जब भी मेरी शॉप के बाहर आओगे आपको हर टाइम डॉग की फीड मिलेगी मेरी, लगभग यहाँ 3 किलो फीड रोज लग जाती है, राउंड सबसे हल्की वाली फीड से मिडल वाली फीड भी 300 से लेकर 600 के बीच आती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो एक महीने में कितना खर्चा आता होगा। आप हमारे वीडियोस देख सकते हो कि हम क्या करते हैं, फ्लड एरिया जहाँ पर हमारी रिजिचुअल है, पंजाब में सतलुज का बांध टूटा, हमारी टीम ने जितना सपोर्ट किया वहाँ किया, हमने वीडियो डाला हुआ है, मेरे गाँव के टीम से लड़कों ने मिलकर जो जितना मेरे से बढ़ पाया हमने मिलकर किया, स्ट्रीट डॉग के लिए जितना हो पाए हम हर एक का फोटो वीडियो नहीं शूट करते, क्योंकि हम कोई, हमारा कोई एनजीओ थोड़ी है, हमारा कोई एनजीओ नहीं है। पिछले साल क्या सर्वे हमने चेक किया था, पिछले साल 10,000 एनजीओ गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, हमने भी ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, लेकिन जब हम वहां जाते हैं वो हमें इस तरह की बातें बताते हैं कि एनजीओ लाइसेंस तो ले लेते हैं बाद में करते ये है करते वो है, इसलिए लाइसेंस मिलना अभी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो जो एनजीओ के पास लाइसेंस है मैं बहुत थैंक यू उनका कि वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर काम कर रहे हैं, भाई इनको सपोर्ट जरूर करो, चलो जिनके कैंसिल हो गए तो उन्होंने कुछ ना कुछ गलत तो किया ही होगा। तो हमारा कोई रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है, हमें ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ का डिटेल रखें कि किसको क्या खिलाया। मैं एक वो अपने आप को आदमी या बंदा समझता हूँ जो एक सुबह उठकर घर के आगे डॉग को खाना डालता है 3 टाइम, तो उसके लिए मुझे फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई हिसाब किताब देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सर हैं अपने, ये हर उस पर्सन के पास जाते हैं जिनको अब हमसे कोई गुस्सा गिला है, जो आई डोंट नो, हम तो कभी किसी का बुरा नहीं, आप हमारी कोई हिस्ट्री कोई वीडियो चेक कर लो अगर हमने किसी के बारे में कभी गलत बोला हो, बिल्कुल नहीं बोलते, हमारा अपना काम है, हमने अपने अपने लिए अपने टास्क डिसाइड किए हुए हैं कि कब तक कहाँ पहुँचना है, हम वही टास्क पर चलते हैं। बाकी ये जो पठानकोट के सर हैं, क्योंकि इनकी भी मैं इतनी गलती नहीं मानता, रीज़न क्या है कि इसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, वो जब इसको हर दूसरे दिन फोन करता है कि भाई तू क्या कर रहा है, अभी भोला शोला के खिलाफ कोई नेगेटिव वीडियो वाला वीडियो क्यों नहीं आया, तो ये बेचारा फिर उठकर गाड़ी लेकर चल पड़ता है कहीं ना कहीं किसी को ढूंढने। मैटर क्या है इनमें, कुछ नहीं है, ये सब जो कर रहे हैं, ये हमारा इनको कुछ 2,40,000 रुपया देना है। पहले ये जब हम मेरी दुकान से सामान ले जाते थे, मैंने तो इनको अपना भाई माना था कि भाई आप सामान ले जाओ कोई बात नहीं, और डॉगी भी लेते थे, तो पहले ये एक इकट्ठे पैसे दे जाते थे कि ये लो इतने पैसे मेरे, ये आधे दुकान के हैं आधे डॉगी के हैं। लेकिन जब मैंने इनको फोर्सली पैसे मांगे, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो गया था, 7-8 महीने उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो फिर इन्होंने कहा कि वो जो पैसे देकर जाता था मैं, वो पैसे सारे डॉग के थे, दुकान के तुम्हारे पैसे मैं नहीं दूंगा। मेरे पास इनका सब कुछ, ये बिल है कब ये क्या क्या लेकर गए मेरे से, सब कुछ है, कुछ अगर मोटा मोटा मैंने यहाँ पर कापी पर लिख छोड़ा है। इनसे मेरा कुछ काम स्टार्ट हुआ था राउंड 6 महीने के आसपास, 6 महीने में ये कुछ सामान लेकर गए 40,000 का, फिर 8वें महीने में 2 तारीख को फिर सामान लेकर गए, ये एक मंता है इनका 2 महीनों का 1,08,000, और उसके बाद ये अगले महीने फिर 14-9 को आए थे, फिर कुछ 65,000 का प्योर पैट का लेकर गए, पेडिग्री का ड्रूल्स बड़े बैग लेकर गए, ये एक्सेसरी लेकर गए मेरे से, ये 11-10 को आए थे, फिर ये लेकर स्मार्ट हार्ट की फीड लेकर गए, बिस्किट लेकर गए, एक्सेसरी लेकर गए, पेडिग्री का मिल्क एंड मीट के बैग लेकर गए, पेडिग्री का स्टार्टर लेकर गए, तो ये कुल मिलाकर इनका 10-11 और 1-3 को 19 को मिलाकर इनका बनता है 2,820 रुपए मैंने इनसे लेने हैं दुकानों के, 40,000 रुपया दे रहा है इसको हरीश को, तो कुल मिलाकर 2,40,000 रुपया ये नहीं देना चाहते, बस ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैटर कुछ नहीं है, मैटर सर जी 2,40,000 है, बाकी हम अपना काम कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि ये मार्केट में जो भी नेगेटिविटी फैलाएगा, देखो झूठ के कभी पाँव नहीं होते, हम पिछले 3 सालों से अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें प्यार करते हैं, कुछ लोग हैं जो ये सच्चाई नहीं जानते कि ये क्या है, क्योंकि ये जब कहीं जाते हैं ना एक बिल्कुल बैल बोले से पंछी बनकर चले जाते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं, हम जो भी हमारी टीम है छोटी है बड़ी है, हमें मेहनत का खाना आता है, मेहनत का काम करना आता है, हमें बस अपना जो एक टास्क है उसको कंटिन्यूज करना है। बाकी बहुत सारे और भी, मैं कभी नहीं कहूँगा नहीं ये पर्सन बुरे हैं, इनके ऊपर एक्चुअली जो बैठे हुए हैं जो इनको गाइड फॉलो करते हैं वो बुरे हुए हैं,
रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट में आप इनके साथ मिलिए, हंसते, बहुत बढ़िया पर्सन है, चाय पानी कॉफी केएफसी मैकडॉनल्ड सब घुमाएंगे आपको, बट इनके सर एक ध्यान रखना भाई साहब, इनके साथ कभी उधार मत करना, डील करो बिजनेस करो कभी भी, बट प्लीज मैं वैसे नेगेटिविटी किसी के पास कभी नहीं बोलता, ना गलत वर्ड्स नहीं बोलता, लेकिन जो मेरे ऊपर बीती है ना वो ये बता रहा हूँ कि इनके साथ आप प्लीज कभी भी उधार मत करना। बाकी बात रही कि मेडिसिन बताने की, हाँ इन्होंने कहा था कि मैं मेडिसिन बताता हूँ, बट रीजन क्या है कि ये बोलते हैं कि दवाई कैसे मालूम पड़ती है मुझे, अरे भाई दवाई तो ज्ञान है, ये हर जगह नेट पर आपको मिल जाएगी, इंटास कंपनी का अगर आप कोई अपना खोलोगे इन वेबसाइट, आपको मालूम पड़ जाएगा कि लिवोटास कैसे देना है, मल्टी विटामिन कैल्शियम कैसे देने हैं, हर तरह के आपको पंपलेट मिल जाएंगे, मेरी दुकान पर अक्सर होते हैं, बेफर कंपनी के होते हैं, यहाँ पर हर डोज लिखी होती है कि आपको कब क्या यूज करना है, कितनी बॉडी पर क्या टैबलेट है, हर जगह लिखा होता है, डिवॉर्मिंग कैसे है, जहाँ अगर डॉग के बाल झड़ रहे हैं तो आप कैसे यूज करोगे, हॉर्स की क्या डोज है, मीडियम कोट की क्या डोज है, इसमें सब लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ता रहता हूँ। उसके बाद अगर स्किन की कोई इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम्स है, तो उसमें क्या, हर तरह आपको, ये तो एक बात है मैं कर रहा हूँ आप पेपर पर लिखा हुआ, ये आपको नेट पर मिल जाएगा यार बड़े आराम से, स्किन की प्रॉब्लम्स कैसे होती है, इस तरह अगर गाय भैंस को कुछ हो जाए तो क्या होता है, ये डॉग्स को, डॉग की अगर नीचे लाल हो जाए, स्किन इन्फेक्शन हो जाए, तो ये मैगजीन, ये जो ये बुक है ये मेरे साल हर साल मैं लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से पढ़ता हूँ इसको जितना हो सके, कंपनी कोई भी हो, चाहे बायर हो, इंटाक्स हो, मैनकाइंड हो, पेट केयर हो, ऑल फॉर पेट हो, हर एक चीज़ बताई गई है कि कब चीज़ क्या यूज़ करनी है, एवरी सिंगल। तो ये अगर किसी के पास ये चीज़ें नहीं होती तो मैं भैया से पढ़कर बस किसी को बता देता हूँ, तो उसमें क्या गलत करता हूँ, मैं कोई किसी से चार्ज थोड़ी लेता हूँ, मैं कोई किसी को ये थोड़ी कहता हूँ कि आप मुझे सुपर चार्ट ही करो तब ही मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, नो, मेरा जो लाइव शो होता है फ्री ऑफ होता है, वो एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे होता है शाम को, मैं अपनी एक ड्यूटी फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, कभी नहीं कुछ, और वो जहाँ से मुझे नॉलेज मिलती है, यहाँ मैं ये पढ़ता हूँ, और सबसे बड़ा नॉलेज मुझे कहाँ मिला है, मैं खुद अपने लगभग 8 सालों से ब्रीडिंग कर रहा हूँ, हमारा एक ग्रुप है, वो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, वो ब्रीडिंग करते हैं, हम एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, हमें मालूम है कि यार ये मेरे डॉग को ये हो गया था तो मैंने ये चीज़ दी थी तो वो काम कर गया, ठीक हो गया, तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ माई फ्रेंड। तो मैटर और कहीं नहीं है कि मैं वीडियो क्या बनाता हूँ, मैटर और नहीं है कि मैं क्या बताता हूँ, मैं कैसा चलता हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, क्या लिखता हूँ, मैटर ऐसा कुछ नहीं है, मैटर है एंड ऑफ द डे 2,40,000 रुपया, तो वो अगर वो क्लियर होता है तो नथिंग प्रॉब्लम। बाकी मैं अगेन कहता हूँ, आई एम डीपली अपोलोजाइज अगर मैंने किसी को कुछ गलत कहा या किसी को हर्ट किया, मेरा कभी भी अटेंशन नहीं होता कि किसी को कुछ गलत करना, वीडियोस इसलिए बनाए गए हैं मीटिंग के ताकि हमारी प्रेजेंट में मीटिंग हो, मेल फीमेल एक दूसरे को हर्ट ना करे, राइट वे मीटिंग हो, इसलिए वीडियो बनाए गए हैं, ये नहीं है कि मेल फीमेल को एक कमरे में बंद कर दो, एक खुले में कहीं छोड़ दो, बाद में आपको 2 घंटे या 1 घंटे के बाद मालूम पड़े कि उसने उसको काट लिया है, आँख निकाल दी है बाहर या जहाँ पर चर लगा दिया है, तो वो क्रूरता है, 38 केस एवरी डे आना वो क्रूरता, वो ज़्यादा हर्ट है। और जो डिलीवरीज के वीडियो हैं उस पर ही मैंने सर्च किया, 38% पप्स डाई हो जाते थे, बच्चे मर जाते थे ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम। हमने वो वीडियो बनाई कि आप कैसे वो गर्भ नाल काट सकते हो प्रॉपरली, कैसे बच्चे को साफ करना है, साफ जगह रखना है, मदर कभी कभी मदर बच्चे को लेकर मट्टी में चली जाती थी, वो छोटा सा गड्ढा खोद कर, बहुत स्ट्रीट डॉग और इवन हमारे घर के हाइब्रिड डॉग, कब कब क्या क्या वैक्सीनेशन लगा, अभी तो डॉग के दूध में मदर, अगर आप सब कुछ भी कर लो मदर के दूध में इन्फेक्शन आ जाता है, आप सब डिलीवरी ठीक कर लो बच्चे दूध पीते ही भगवान ना करे कुछ को कुछ हो जाता है, हमें बहुत काम करना है और आगे हमारे बहुत सारे टास्क हैं कि क्या क्या लोगों को चीज़ें बतानी है, जो कि घर बैठे अपना एक अपना सक्सेसफुली अपना डॉग या बिजनेस अपना जो भी काम है वो कर पाए। आपको याद होगा एक लुधियाने से मैडम थे, आपको याद होगा उन्होंने पग की डिलीवरी की, हमारा वीडियो देखकर कितना धन्यवाद किया, वो वीडियो अभी भी हमारे ऐप में है आप चेक कर सकते हो, उन्होंने अपना भी एक पग तब था, अभी उसके पास 8 डॉग हैं,
और भी हमारे बहुत सारे, हमें लोग मेल करते रहते हैं, हमें लोग बहुत सारे मैसेज डालते रहते हैं कि थैंक यू आपके कारण अभी मुझे जॉब नहीं मिल रही लेकिन मैंने एक साइड लाइन काम किया। बहुत सारे लेडीज हैं जो सिंगल मदर हैं, बहुत सारे मैन हैं जो सिंगल फादर हैं, बहुत सारे और भी हैं बुजुर्ग जो घर बैठे अपना काम करना चाहते हैं। वहां पर बहुत सारे लोगों पर डॉक्टर की सुविधा नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे डॉक्टर के पास ही जाना होता है। लेकिन अगर हो ही ना, हो ही 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, क्या करें। हम लकी हैं कि पंजाब में रहते हैं, हर 10 किलोमीटर बाद डॉक्टर बैठा है, लेकिन ये सेम हालात ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। तो मैं बस अपनी जो ड्यूटी कर रहा हूँ वो मुझे करनी है और मैं वो छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये 240,000 रुपया भी मैं इनसे ले लूँगा, ये भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। फ्रेंड सॉरी, एक वन मोर टाइम, अगर मैंने कुछ ज़्यादा लंबा समय ले लिया, ज़्यादा कुछ गलत बोल लिया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि भाई अगर आप सही हो फिर भी, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये कलयुग है भाई, अगर आप सही भी हो तो भी आपको बताना पड़ेगा कि आप सही हो। आप अगर चुप रहोगे तो लोग समझेंगे कि वो ज़्यादा चिल्ला रहा है ना, क्या होता है कलयुग में, वो ज़्यादा जो बोलता है, ज़्यादा चिल्लाता है, उसको सही माना जाता है, और जो लोग चुप रहते हैं उसको गलत माना है। तो इसीलिए हमने, एक फ्रेंड ने ये मुझे से लाइन, बिल्कुल ये सेम लाइन किसी ने भेजी थी, तो अभी मुझे ये आइडिया आया कि वीडियो बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ट्रस्ट अस, हम जो कर रहे हैं पूरी पढ़ लिख कर अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरी अपनी टीम की सलाह के साथ, एडवाइस के साथ कर रहे हैं, हमारे जो लॉयर्स हैं उनकी सलाह के साथ सब कुछ कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो किसी को हर्ट हो या किसी के बुरा हो। तो मैं ज़रा समय नहीं लेता, सॉरी पहले बहुत ले लिया। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑलवेज माई फ्रेंड, वी लव यू एंड वाहेगुरु आपको हमेशा चढ़ती कला रखे। थैंक यू उन सब का जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और थैंक यू उनका भी जो हमें गलत समझ रहे हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि वो वही लोग हैं जो हमें पहले प्यार किया करते थे।